ये ले यार, तू रख ले। कॉइन कहाँ गया? कौन ले गया? अच्छा क्या ये फकीर नहीं था? यार वो एक्चुअली हमारा क्रिएटिव डायरेक्टर है, छोड़। फकीर क्या, बस फकीर का फकीर है। अच्छा हाँ, तो, मैच किधर है? किधर है? लोग कहाँ हैं सारे? एक काम करते हैं ना, टॉस कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। किसकी बारी? मेरी। बहुत बहुत मुबारक हो तुझे, तेरी बारी। चल मान ली, तेरी बात मान ली, ठीक है। टीम अच्छा, करना क्या है कि ऊपर जाकर शो स्टार्ट करते हैं। और क्या करते हैं? क्या मतलब? तुमने क्रिकेट मैच के लिए बुलाया था, शो कौन सी बात? यार वो खेलना तो, कैमरास क्यों लगे हुए हैं यहाँ पे? यार वो खेलना तो मैच था, मगर वो ना माली ने पानी लगा दिया, तो प्लान बी ये है कि जाके शो कर लेते हैं। एपिक शो क्या हो गया? वैसे भी रात बहुत हो गई है, पानी भी लग गया है, माली ने पानी लगा दिया। माली ने आज ही पानी लगाना था यार। यार मैं क्या कर सकता हूँ, वरना वैसे भी हमने कौन सी अपनी कमिटमेंट पूरी की आज तक यार। सही कह रहे हो, माली हालात तो तुम लोगों के वैसे ही काफ़ी देरों से ख़राब है ना। वैसे तेरे इस जोक पे कोई किसी को हंसी नहीं आई, और काफ़ी गैर मेरी जोक था। नहीं मुझे तो बड़ा मज़ा आया, समझने वाली बात है ना। अच्छा मैं तो, और फेलो एक्टर्स हमारे समझ गए होंगे ये बात है। अब क्या करना है यार? कैमरे की तरफ देखे तूने, कहने कि ये कहना है, सबसे पहले कैमरे की तरफ देखे ये बोलना है, हाय आई एम लकी, सॉरी हाय आई एम मिकाल एंड लकी टू बी ऑन द एपिक शो। ये लकी वाली बात मैं नहीं बोल रहा। अच्छा यार जो दिल करे वो बोल दे। अच्छा हुआ वैसे दिल खाली कर दिया, काफी भरा हुआ था। तो अब अगर बैक टू द ओरिजिनल लाइंस। हाय एवरीवन, दिस इज मिकाल ज़ुल्फ़िकार, एंड इफ यू हैव नथिंग बेटर टू डू और आप अपने वक्त को बेहतर यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो प्लीज वॉच द शो। यार ये नहीं लिखा हुआ था, एपिक शो लिखना था, कहना था एपिक। वॉच द एपिक शो। चलो चले फिर, चलो रात काफी हो गई है। वैसे बाय द वे ये क्या कर रहे हैं? यार ये हमने बूमरैंग क्रिकेट आजाद की है। आउट हो गया भाई। ओके गाइस, ठीक है जी। तो दोस्तों आई एम श्योर आप तक जान चुके होंगे, हमारी फिल्म, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, जिनका एक और ख्वाब पूरा हो गया। यार आप इमेजिन कर रहे हैं इतने ख्वाब पूरे हुए, ये भी पूरा हो गया है हमारे एपिक शो पे आने का। हाँ। यार ऐसी निकाल, क्रिकेट खेलने आया हुआ था, पता नहीं इंटरव्यू पे। हाँ क्या यार वो इंट्रो शिफ्ट चल रही है ना दूसरी, एक फोन पे यार बात पे कर लेना, क्या हो गया? अच्छा अल्कोहली बैग जी, बताइए यार। सो मैं कह रहा था प्लीज वेलकम मिकाल। मिकाल जी आपका ख्वाब पूरा हो गया, हमारे शो पे आ गए। बहुत ही भयानक ख्वाब है। नहीं खैर चले कोई नहीं, मेरा तो काम है इंडस्ट्री में नए टैलेंट को आगे लाना, और खास तौर पे बिल्कुल ही रॉ टैलेंट जो होता है उसको प्रमोट करने का मुझे कुछ ज्यादा ही शौक है। बेशक, पर ये पाकिस्तान की टी शर्ट क्यों पहनी हुई है यार? लगता है किसी ने क्रिकेट के लिए बुलाया और शो पे बिठा दिया हो। वाकई ऐसा हुआ था? अच्छा ऐसा हुआ था, ऐसा ही हुआ। मैं आपकी पैट्रियोटिज्म को देख के बड़ा बड़ा हिल गया हूँ यार। तो आगे हम बात करेंगे ना आपकी उन फिल्मों के बारे में जो आपने पैट्रियोटिज्म के नाम पे की है, स्क्रिप्ट के नाम पे थोड़ी की है। छोटेल भाई क्या चल रहा है यार? काफ़ी कुछ चल रहा है वैसे, आजकल एक सैलून खोल रहा हूँ फॉर मेन। अच्छा आपकी कॉफ़ी? ओ वैसे ट्रे भी कोई चीज़ होती है, पर चल कोई नहीं, हाथ में दे दे। ये देखिए इसका लोगो, ओह वेरी नाइस। किधर खोला है सैलून? डिफेंस में। डिफेंस में ते औरतों ले भी है, मर्दों ले भी है? नहीं सिर्फ फॉर मेन। ते खर्चा कितना है? यार तू बाद में आ रही ना, शो के बीच में सारे सवाल करी जा रहा है। इधर क्या, इधर तेरे बाल काट ले। कर लेंगे यार तेरे लिए कुछ कर लेंगे, तू आ जा ठीक है। हर भाई थानू याद रखना, शुक्रिया। पुछो गोल ते कलम छोटी। चंगा वसार जावा मैं? नहीं नहीं यार टावल लेकर आऊँ तेरे लिए हैं। टावल से याद आया, टिशू होगा? थैंक यू। सर बोले क्या? तो क्या हुआ? उसी के आंसू हैं यार। केरी वजह था आंसू है? दुकान खुली नहीं और कस्टमर पहले ही मिल गया। शकील कोशिश करके कभी पहुंच जाया कर। चल अच्छा तो अच्छी टीम है आपकी यार। यार बस ये तुमसे बड़ा प्यार करते हैं, दे रियली लव यू। यू कैन सी के मतलब पहला कस्टमर भी बन गया, कितना लकी शो है। हाँ ऐसे प्यार से तो नफरत हो जाती है, मतलब नसीबों से मिलता है ऐसा प्यार, यू नो। इजी ले रहे हो यार, नॉट एवरीवन गेट्स अ चांस टू बी ऑन माय शो। नसीबों से ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपको मिली है। सही कह रहे हैं, ये तो वो अपॉर्चुनिटी है जो इंसान दुआ करता है अल्लाह से कि हाथों से निकल जाए यार। चलें यार छोड़ें, काम की बताएं, काम क्या चल रहा है? कुछ
क्या मतलब है काम के मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? Your epic management, you manage me, और मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या काम कर रहा हूँ? You should know. यार बात तो सही है, एपिक के साथ ही है, पर हमें भी लक पता जाता है जब हमें क्लाइंट का फोन आता है कि यार बड़ा एक्सक्लूसिव है हमारे साथ और डील खुद बना लिया है। देखो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि क्लाइंट से आपकी डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। अच्छा, और वो मैनेजमेंट से नहीं डील करना चाहता, कंफर्टेबल ही नहीं होता तुम्हारे साथ, मेरे साथ कंफर्टेबल होता है। हाँ हाँ हाँ, कंफर्टेबल क्यों नहीं होगा यार, मैंने गंदे जोक्स भेजे होंगे। क्या पता किस तरह के जोक्स भेजता है तू। चल छोड़, कमीशन तो मिलेगा ना। कमीशन क्यों, डील मैंने की और मैं तो दे दूंगा यार, पैसे तुमसे ज्यादा अच्छे। हाँ बहुत अच्छे हैं, मैं तो काम ही पैसों के लिए करता हूँ। मुझे पता है तुम एक अच्छे आदमी हो। किसे का है? एक बड़े अच्छा तो मैं आग्रह शो कर रहा होता। नहीं मतलब मैं तुम्हें पैसों की ऑफर करोगे, मुझे पता है तुम रिफ्यूज कर दोगे, इसी मैंने की नहीं। दैट्स स्मार्ट ऑफ मी एक्चुअली। मतलब टॉपिक ही किल किल दिल। किल दिल से याद आया यार, वो आई लव योर फिल्म परवाज़ जुनून। हेलो कौन हो भाई? मैं आजाद हूँ, मेरा वजूद फानी है, तू मिट्टी मैं मिट्टी। अच्छा अच्छा ठीक है, सॉरी आई आस्क्ड यार। कुछ संभाल ले या सब आज ही करना है। ये कौन था भाई? सॉरी यार हमारा कॉपी राइटर है, पहले कॉपी करता है फिर राइट करता है। हाँ वो तो नजर आ रहा है, हर साइज का बदतमीज रखा हुआ है। बदतमीज से याद आया, आई लव योर फिल्म परवाज़ जुनून। शेर दिल भाई, शेर दिल, शेर दिल मेरी फिल्म थी। एंड बल्कि तुझे याद तो होगा, वांट यू देयर द प्रीमियर जो हमने लाहौर में किया था, जहाँ तू लड़ रहा था कि मुझे पॉपकॉर्न के साथ नाचोस भी चाहिए, भूल गए? हाँ हाँ हाँ, वो तो अच्छा उसे दे दिया, वरना फिल्म कैसे देख सकता था मैं। एनीवे सो हीर मांझा में भी मैंने कैमियो किया, एक बड़ा जबरदस्त किस्म का, पीपल आर रियली लविंग इट, अप्रिशिएटिंग इट। वैसे अगर आप लीड भी क्लेम कर लेते तो हमने कौन सा लड़ पड़ना था। जहाज मतलब जहाज थे ना मेरी फिल्म में, जहाज से मुझे जहाज का कनेक्शन, यू नो, नॉट लुकिंग एट यू कॉलिंग यू अ जहाज, आई मीन नॉट, आई वाज लुकिंग एट द जहाज। तो वो फिल्म में जहाज भी थे, अरमीना भी थी और न्याजी भी तो था। न्याजी भी था, बिल्कुल बिल्कुल न्याजी था यार। वैसे आप ही न्याजी, वो भी न्याजी, था एवरीवेयर है ना, पूरी थिंग। या इट्स अमेजिंग, आई मीन छाए हुए हो तुम लोग पूरी दुनिया पे। हां बस फर्क इतना है कि ही इज इमेंसली टैलेंटेड। यार मैं भी टैलेंटेड हूँ, मुझे किसी ने बताया था तुम शो स्टार्ट करो बड़ा हिट हो जाएगा। अभी देख लेते हैं कितने व्यूज आएंगे इसके। अच्छा टैलेंटेड टैलेंटेड से यार याद आया, किसी ने याद ही नहीं कराया, फिरोज को कॉल करना था मुझे। फिरोज कहाँ से आ गया? अभी सॉरी मतलब टफ क्लॉक लगते की जरूरत नहीं है। वो एक्चुअली हुआ क्या कि यार वो फिरोज का कॉल आया, तो कॉल आपके लिए आई थी एक्चुअली, माहिर को, आपके मैनेजर जो है, मगर वो उसने गलती से फिरोज का कोड दे दिया। क्या मतलब? फिर उन्होंने फोरन लॉक कर दिए। ना करें। अच्छा हाँ हाँ। अच्छा कोई अच्छी बात भी बता दें यार। यार मैंने अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किया कि हमजा की शादी हुई है, इमाद की शादी हुई है और हसन अली की भी शादी। सो व्हाट, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा तेरी शादी भी हो रही है। आसिफ अली याद आ गया और उसका वो जो कैच उसने ड्रॉप किया था, तू पकड़ ली। गुड बाय। मैं रास्ते में हूँ, बस आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ये कौन था भाई, छुपा रहे तुम? निकाल भी, मैं नवीद। अरे नवीद क्या हाल है? मैं नवीद। अब पहचाना नहीं मैंने, कौन नवीद? पर तू कर क्या रहा था पीछे भाई? आपने तो बोला था बॉस के जो चीज पीछे पड़ी है उस पर चादर डाल देना। हाँ तो फिर हाथ मारे मतों में कुत्ता। कॉमेडी करता है। कॉमेडी नहीं बॉस, बल्कि आप मुझे बताएं आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यार मैं एपिक शो कर रहा हूँ और ये मेरे गेस्ट हैं निकाल। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं पीएम बन जाता हूँ। जॉब बड़ा मजाक तुमने किया जबरदस्त किस्म का, बस ठीक है।
एंड हाफ जीज पुल करके इस तरह जा रहे थे एंड वैसे ऐलान ना करें कभी जहाज ऐसे जाए ऐसे जाता है नहीं नहीं ऐसे ऐसे जाए अच्छा अच्छा ठीक है अच्छा ओके ओके